हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म ही हुआ। सारे ही नॉर्थ ईस्ट फैंस के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगा, और उसके अलावा भी सारे ही इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भी काफी बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से डिटेल्स में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के संपर्क में। तो दोस्तों, ट्राई नेशन कप, इंटर कॉन्टिनेंटल कप और सैफ कप को कर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने अपने आप को प्रूफ किया है। और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि पॉट टू कंफर्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का जो रैंक था वो 100 रैंक पर था, और जब तक 99th या फिर 98 रैंक ना हो तब तक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का पॉट टू कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज ही इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का लेटेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है। तो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम 100 रैंक से पहुंच चुकी है 99th रैंक पर। इसका मतलब यह होता है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने अपना स्थान पॉट टू में कंफर्म कर लिया है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को ये कंफर्मेशन दे दी थी कि स्पेनिश सेंटर बैक के खिलाड़ी माइकल जुबैको को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने अपनी टीम में साइन कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक, लेकिन आज ही सारे ही नॉर्थ ईस्ट फैंस का इंतजार खत्म हुआ है। तो माइकल जुबैको का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा खुशखबरी है और लाइक तो बिल्कुल बनता है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।